हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं टाइप थ्योरीज की। टाइप थ्योरीज में हम बात कर चुके हैं हिप्पोक्रेट की क्लासिफिकेशन की। आज हम बात करेंगे क्रेचमर क्लासिफिकेशन। जो क्रेचमर थे उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपनी पर्सनालिटी को डिवाइड किया है थ्री कैटेगरीज में। थ्री कैटेगरीज जो हैं वो फर्स्ट है उसमें से एस्थेनिक, सेकेंड इज एथलेटिक एंड थर्ड इज पाइकनिक। जो एस्थेनिक टाइप की जो पर्सनैलिटी टाइप होती है उसमें जो बॉडी होगी वो बहुत ही थिन और टॉल होगी। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही शाई टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, सेंसिटिव होंगे वो लोग, पैसिमिस्टिक हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच सकते हैं और रिजर्व और अनसोशल होंगे, ज़्यादा घुलने मिलने वाले लोग नहीं होंगे। एथलेटिक नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह के जो लोग होंगे उनका जो मस्कुलर डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा और बैलेंस्ड बॉडी होती है इनकी। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, इन द एथलेटिक पर्सनैलिटी टाइप एडजस्टेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी लोग होते हैं ये। थर्ड टाइप की अगर बात करते हैं पाइकनिक जो लोग होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं पर थोड़े से मोटे होते हैं। इस तरह के जो शॉर्ट लोग होते हैं वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक वाइज कैसे होते हैं, थोड़े ईजी गोइंग होंगे, जॉली नेचर के होते हैं, गुड नेचर होता है इनका, हंसी मजाक में रहते हैं हमेशा, काफ़ी हंसने वाले लोग होते हैं, अच्छा नेचर होता है और सोशल होते हैं, काफ़ी मिलजुल के रहने वाले लोग होते हैं पाइकनिक टाइप के जो लोग होते हैं। ये क्रेचमर की क्लासिफिकेशन थी, इसने थ्री कैटेगरीज डिवाइड की हैं पर्सनैलिटी टाइप में। शेल्डन ने भी, जो शेल्डन की जो क्लासिफिकेशन है उसने भी फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही अपनी क्लासिफिकेशन दी है। इसने अपनी क्लासिफिकेशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। जो एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी होती है इसमें जो हाईली डेवलप्ड विसरा और हाईली डेवलप्ड सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट मीन्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विसरा का मतलब क्या होता है। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स इन आवर बॉडी कैविटी। जितनी भी हमारी बॉडी कैविटी हैं, जैसे हमारी चेस्ट कैविटी है, एब्डोमन कैविटी है, इसमें जितने भी हमारे ऑर्गन्स होंगे जैसे लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। हाई डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन्स और हाई डेवलप्ड ही आउटर ऑर्गन्स भी होंगे। इस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो होगी एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी टाइप। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे इजी गोइंग होंगे, सोशेबल होंगे, काफ़ी ज़्यादा सोशल मिलजुल के रहने वाले लोग हैं इसमें, अफेक्शनेट हैं, प्यार से रहते हैं। जो एंडोमॉर्फ टाइप के लोग हैं, हाईली डेवलप्ड विसरा एंड हाईली डेवलप्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर्स। सेकेंड जो हमारा पर्सनैलिटी टाइप है मीजोमॉर्फिक अकॉर्डिंग टू द शेल्डन क्लासिफिकेशन। मीजोमॉर्फिक में क्या होगा, बैलेंस्ड डेवलप्ड होगा विसरा का भी और सोमेटिक स्ट्रक्चर का भी। ये जो बैलेंस स्ट्रक्चर शो करेगा पर्सनैलिटी की किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही एडवेंचरस होंगे ये और बहुत ही क्रेव रहते हैं मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। जैसे कोई भी जो मस्कुलर काम होता है, फाइटिंग, जैसे फाइटिंग गेम्स बच्चे खेलते हैं, कोई वेट लिफ्ट करना है, इस तरह का जो होगा, जो भी हमारी मस्कुलर एक्टिविटी वाली जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है उनमें अपना बहुत ज़्यादा क्रेव शो करते हैं और एनर्जेटिक बहुत होते हैं। जो बैलेंस टाइप के डेवलपमेंट जिनके पास होगी विसरा और बॉडी सोमेटिक स्ट्रक्चर्स की, मीजोमॉर्फिक वो कहलाएंगे। थर्ड इज द एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी होगी वो वीक, उसमें वीक डेवलप्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर भी होगा और वीक ही विसरा होगा, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी वीक डेवलप्ड है और आउटर स्ट्रक्चर भी वीक डेवलप्ड है, लो डेवलपमेंट उसकी शो कर सकता है। और ये ऐसे जो लोग होंगे वो शाई होंगे, पैशनेट होंगे, नेगेटिव सोच सकते हैं, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, रिजर्व है और द इंट्रोवर्ट है, बट इनके अंदर आर्टिस्टिक नेचर इनका होता है। तो ये थी शेल्डन की क्लासिफिकेशन, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब टाइप थ्योरीज में हमारी सिर्फ एक टाइप थ्योरी बची है, स्ट्रेंगर्स की। स्ट्रेंगर क्लासिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके बाद हम टाइप थ्योरीज, टाइप ट्रेट थ्योरी शुरू करेंगे। थैंक यू।